नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। बात करते हैं राजसमंद जिले की प्रमुख खबरों की। आमेर शहर में मेडिकल स्टोर के दो फार्मासिस्ट कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद चिकित्सा विभाग के साथ ही पुलिस व प्रशासन में हड़कंप मच गया। शाम 4 बजे बाद उपखंड अधिकारी डॉक्टर नवनीत कुमार ने एक कीमिक क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके साथ ही थाना प्रभारी मुकेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने बाजार में घूमकर दुकानें बंद करवा दी और लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया। जैसे जैसे कोरोना संक्रमण व कर्फ्यू की सूचना मिली तो कई कारोबारी स्वतः ही शटडाउन कर चलते बने। दोनों ही मेडिकल स्टोर के से पिछले 10 दिनों में दवाइयां खरीदने वाले संभावित लोगों की सूची तैयार की जा रही है। साथ ही दोनों ही फार्मासिस्ट के संपर्क वाले सभी लोगों को सूचीबद्ध करने का कार्य शुरू कर दिया, जिसमें उनके परिवार रिश्तेदार के साथ मित्रों की सूची बनाई जा रही है जो लंबी हो सकती हैं। CMHO डॉक्टर JP बुनकर ने बताया कि ग्यूटोरिया में एक ही परिवार के 7 सदस्य पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें 2 महिलाएँ, 20 वर्षीय युवती, 16-19 वर्षीय किशोरी व 5 वर्षीय बच्ची के साथ ही 38 वर्षीय व्यक्ति भी शामिल हैं, जो सभी अहमदाबाद से आए थे। कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने वाले सभी लोगों को चिन्हित कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब राजसमंद जिले में 31 सक्रिय पॉजिटिव रह गए हैं। बताया कि अब तक 4049 सैंपल लिए गए, जिसमें से 160 पॉजिटिव, 3225 नेगेटिव आए हैं, जबकि 364 सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी हैं। आज 3 व्यक्ति और स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रतिनिधि डॉक्टर स्वाति मित्तल ने आर के जिला चिकित्सालय के सैंपल कलेक्शन आइसोलेशन वार्ड का अवलोकन किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्राप्त हुई है कि कैलाश प्रजापत और नरेंद्र सुराणा नाम के जो 2 व्यक्ति हैं, जो 2 मेडिकल स्टोर पर काम करते हैं, एक तो स्वयं मालिक हैं मेडिकल स्टोर के और एक कैलाश प्रजापत है जो किसी दूसरे की मेडिकल शॉप पर काम करता है, वो पॉजिटिव आए हैं। तो इसको देखते हुए हमने एहतियात के तौर पे पूरे कस्बे के आबादी क्षेत्र पर अपन ने धारा 144 लगा दी है और पूरे कस्बे के आबादी क्षेत्र को 0 मोबिलिटी क्षेत्र अपन ने घोषित कर दिया है। उसमें सभी जो सब्जी और डेयरी वाले हैं वो भी दुकानें बंद रहेंगी और जनता को असुविधा ना हो इसके लिए अपन कुछ सब्जी वालों और डेयरी वालों को अपन चिन्हित करके उनको अपन अनुमति प्रदान करेंगे ताकि लोगों को सब्जी और डेयरी जैसी जो मूलभूत जरूरी सामान है वो उनको समय पर उपलब्ध हो सके। ऐसी चीज़ें उसको अपन बंद नहीं रह सकते, तो मेडिकल में भी अपन कुछ दुकानें चिन्हित करेंगे ताकि कुछ जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं वो लोगों को समय पर प्राप्त हो सके। प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ जल्दी से जल्दी अपन कॉन्टैक्ट हिस्से अभी निकालने का काम चल रहा है और जहाँ तक मुझे सूचना प्राप्त हुई है तो लगभग जो क्लोज कांटेक्ट में इन दोनों मेडिकल दुकानों के संपर्क में लोग व्यक्ति आए हैं, लगभग 50 व्यक्ति के आसपास अपने संपर्क में आए हैं ये लोग क्लोज कांटेक्ट में जो हैं। बाकी उन 50 के संपर्क में और कितने लोग आए हैं उसकी अभी मेडिकल टीम और हमारे अन्य जो अधिकारी हैं वो गहन रूप से जाँच पड़ताल कर रहे हैं, उनकी सूचना हम आपको जल्दी पहुँचाएँ। आबादी क्षेत्र जो पूरा है उसमें अपन 0 मोबिलिटी एरिया अपन ने घोषित कर दिया है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि को अनुमति नहीं दी जाएगी। राजसमंद जिले में ठीक 15 दिन बाद फिर दूसरे टिड्डी दल ने हमला बोल दिया। पहले दल ने पाली व अजमेर जिले की सीमावर्ती जिलों से प्रवेश किया था, जो आमेर, सरदारगढ़, कुंवरिया होते हुए चित्तौड़गढ़ की तरफ आगे बढ़ गया था, जबकि शुक्रवार को भीलवाड़ा जिले से ताल लसानी की तरफ से टिड्डी दल ने प्रवेश किया, जो देवगढ़ शहर के आसपास के क्षेत्र में पहुंच गया है। जैसे ही ग्रामीण क्षेत्र में टिड्डी दल आया तो ग्रामीणों ने ढोल थालियां बजाकर उन्हें भगाने के प्रयास किए, मगर असंख्य टिड्डियों के आगे किसानों के बचाव के प्रयास नाकाफी रहे। कई खेत खलियान व पेड़ पौधों को चट कर दिया। अपराह्न करीब 3 बजे देवगढ़ शहर में पहुँचा टिड्डी दल, 1 घंटे तक शहरी क्षेत्र में ही उड़ता रहा, फिर ग्रामीण क्षेत्र में आमेट की तरफ बढ़ गया। इस तरह शहर के व्यापारियों के साथ ही आम जन में डर व दहशत व्याप्त हो गई। लोगों के ने मकानों के खिड़की दरवाजे बंद कर दिए, जबकि दुकानों में भय व्याप्त हो गया, जिन्होंने दुकानों के शटर भी आधे आधे कर दिए। हालांकि शहर में वाहनों की आवाजाही होने की वजह से टिड्डियां नीचे बहुत ही कम आई, जो आसमान में ही उड़ती रही। शहर में कई लोगों ने आतिशबाजी की और कुछ किसानों ने ढोल थालियाँ बजाकर उन्होंने भगाने के जतन किए। राजसमंद के पसुंद पंचायत में पूर्व सांसद हरिओम सिंह राठौड़ की स्मृति में हरिओम उपवन बनेगा, इसका औपचारिक उद्घाटन सांसद दिया कुमारी ने VC के माध्यम से किया। सरपंच अयन जोशी ने बताया कि सांसद दिया कुमारी द्वारा मिली प्रेरणा पर 100 बीघा चरागाह भूमि पर हरिओम उपवन बनाया जाएगा। इस दौरान कुंजा गुलमोहर के 5 पौधे रोपे गए। इस दौरान पूर्व चेयरमैन महेश पालीवाल,
पूर्व उप प्रधान सुरेश जोशी, पूर्व सांसद हरिओम सिंह राठौड़ के पुत्र करणवीर सिंह राठौड़, संसदीय क्षेत्र मीडिया संयोजक मधुप्रकाश लड्डा, गोपाल कृष्ण पालीवाल, प्रवीण रनवाना, गोविंद प्रजापत, मनोज जोशी, नर्मदा शंकर पालीवाल, हितेश जोशी, गिरिराज काबरा, बिरुलाल जाट, पप्पू दास वैष्णव आदि मौजूद थे। इधर मोही पंचायत में विश्व पर्यावरण दिवस पर भाजपा मंडल अध्यक्ष दिग्विजय सिंह भाटी, सरपंच रतनलाल भील द्वारा 20 पौधे रोपे गए। इस दौरान वार्ड पंच इंद्र सिंह भाटी, पूर्व सरपंच जगदीश चंद तेली, फतेह सिंह मूलचंद, रतन पहाड़िया, कन्हैयालाल सोनी आदि मौजूद थे। इसी तरह पिपरड़ा में चरागाह भूमि व वन पौधशाला में किरण महेश्वरी, विधायक किरण महेश्वरी ने पौधरोपण किया। इस दौरान सरपंच सीता पालीवाल, राणा राज सिंह, मंडल अध्यक्ष गणेश पालीवाल, मुकेश बागोरा, गणपत सिंह, चंदन सिंह, नाथू सिंह, विशाल खींची, मनीष पालीवाल, अमित पालीवाल, सचिव लाल सिंह झाला, महेंद्र सिंह परमार, नाना गाडरी, पंकज पालीवाल, किशन भील, केसर सिंह, कालू तिवारी रेंज आदि मौजूद थे। बड़ाड़ा में राजसमंद विकास अधिकारी भुवनेश्वर सिंह चौहान द्वारा कोरोना रक्षक दल को शपथ दिलाई एवं पौधरोपण किया। इस दौरान सरपंच गणेश कुमावत, कोरोना रक्षक दल के कमांडर रामेश्वर कुमावत, दुर्गेश कुमावत, रमेश कुमावत, ग्राम विकास अधिकारी प्रहलाद सिंह राठौड़ आदि मौजूद थे। भीम व देवगढ़ पंचायत समिति सभागार में क्षेत्रीय विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने उपखंड स्तरीय अधिकारियों व ग्राम विकास अधिकारियों की बैठक ली और पेयजल समस्या को लेकर लंबित कार्य को त्वरित गति से करने के लिए खास निर्देश दिए। भीम BDO डॉक्टर रमेश चंद्र मीणा, PhD XEN PP नागर, तहसीलदार नरेंद्र सिंह पवार, AN गोविंद राम सिरवी ने मौजूदा पेयजल व्यवस्था से अवगत कराया। जिन जिन गाँवों में टैंकरों से जलापूर्ति करनी पड़ सकती हैं उसके लिए सर्वे कर जल्द से स्वीकृतियां जारी करने के लिए विधायक ने संबंधित BDO को निर्देश दिए। अजीतगढ़ पंचायत के नालोई लालपुरा पाइपलाइन के अभाव में जनता जल योजना बंद है। काला गुमान व दिवेर में ग्राम पंचायत में पेयजल के स्थायी समाधान की मांग उठी। करादेव पंचायत के डोली आमनेर में बिजली कनेक्शन के अभाव में योजना बंद है, जबकि थानेटा के मियाला खेत में कुआं खुदा हुआ है लेकिन मोटर के अभाव में पानी नहीं मिल रहा है। कुकरखेड़ा में विद्यालय के खेल मैदान से गुजर रही विद्युत लाइन को हटाने की भी मांग उठी। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष एवं नाथद्वारा विधायक डॉक्टर CP जोशी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खमनौर व रेलमगरा पंचायत समिति मुख्यालय पर अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बागेरी नाका परियोजना से बड़ी तादाद में पानी के अपव्यय पर डॉक्टर जोशी ने नाराजगी जताई और वंचित गांवों को जोड़ने के निर्देश दिए। इस पर जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता को सख्त निर्देश दिए, साथ ही एक सप्ताह के भीतर सभी हैंडपंप ठीक करने के लिए भी कहा। जिला कलेक्टर ने जल जीवन मिशन के बारे में बताते हुए कहा कि हर घर नल के माध्यम से पेयजल पहुंचाया जाएगा। सेमा व मचिंद गांव का चयन किया गया है जहां हर घर में नल कनेक्शन दिया जाएगा। डॉक्टर जोशी ग्रामीणों व सरपंचों के साथ ही जनप्रतिनिधियों से भी रूबरू हुए। इस दौरान बड़ा भाणुजा, बागोल, भैंसा के मेड़, बामनहेड़ा के साथ ही ब्लॉक की हर पंचायत में पेयजल की समीक्षा की। बैठक के अंत में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर जोशी द्वारा 8000 मास्क वितरित किए गए। प्रत्येक पंचायत को 200-200 मास्क दिए गए। इस दौरान जिला परिषद SEO डॉक्टर दिनेश राय सापेला, नाथद्वारा SDM अभिषेक गोयल, जलदाय विद्युत निगम के साथ ही सभी विभागीय अधिकारियों मौजूद थे। इसी तरह विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर जोशी ने रेलमगरा पंचायत समिति सभागार में भी VC के माध्यम से रेलमगरा ब्लॉक के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें सरपंच व ग्राम सेवकों के साथ ही उपखंड स्तर के सभी अधिकारी मौजूद थे। पेयजल के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की, जिसमें समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए डॉक्टर जोशी ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को खास निर्देश दिए। निरोगी राजस्थान अभियान एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालित विभिन्न जल कल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रभावी मॉनिटरिंग को लेकर CMHO डॉक्टर JP मुनकर ने चिकित्सा अधिकारियों की विशेष बैठक ली। स्वास्थ्य भवन में आयोजित इस बैठक में 10 जून तक हर हाल में प्रत्येक गाँव एवं शहरों में प्रत्येक वार्ड में 2 स्वास्थ्य मित्र, 1 महिला एवं पुरुष का चयन किया जाना है। जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुरेश मीणा ने मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का माइक्रो प्लान तैयार करने, नियमित टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, गर्भवती महिलाओं की देखरेख की समीक्षा की गई। इस दौरान उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजकुमार खोलिया, नाथद्वारा के डॉक्टर सतीश सिंगल, खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रहलाद सिंह सोलंकी, डॉक्टर ML मीणा, डॉक्टर महावीर प्रसाद, जिला कार्यक्रम प्रबंधक आशीष दादीज, DNO विनीत दवे, जिला आशा समन्वयक हरिशंकर शर्मा आदि मौजूद थे।
इसी तरह की रोचक व ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल जयवर्धन न्यूज़।